करण जौहर अपने चैट शो के नए एपिसोड के साथ एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आने को तैयार हैं। वेल रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉफी विद करण सीजन 7 का न्यू प्रोमो शेयर कर दिया है, जिसमें उनके काउच पर न्यू गेस्ट बने हैं टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन। 2014 में एक साथ फिल्म हीरोपंती के साथ में डेब्यू करने वाले टाइगर और कृति जल्द ही साथ में अपनी सेकेंड फिल्म गणपत में नजर आने वाले हैं। कॉफी विद करण के पहले ही सवाल में कृति का जवाब सुनकर करण दंग रह जाते हैं। वो कृति से पूछते हैं कि क्या हीरोपंती में डेब्यू से पहले वो कई ऑडिशन में रिजेक्ट हुई हैं। इसके जवाब में कृति कहती हैं, आपको पता है मेरा पहला ऑडिशन क्या था? कृति बताती हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पहली वाली के लिए। ये जवाब सुनकर करण का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वेल करण इस बात पर भी टाइगर कृति से सवाल करते दिखे कि क्या साथ में डेब्यू करने वाले इन दोनों स्टाइलिश एक्टर्स को एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग हुई। कृति से करण पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें कभी इस बात का बुरा लगा कि टाइगर ने डेटिंग के लिए कभी उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए। इस पर टाइगर कहते हैं कि कृति पहले ही किसी और की हो चुकी है, जबकि कृति कहती है कि वो कभी टाइगर को डेट ही नहीं करती क्योंकि वो बहुत फ्लिप करते हैं। अब तो ये शो में ही पता चलेगा कि कृति का इशारा टाइगर के जिम्नास्टिक भरे एक्शन की तरफ था या फिर वो दिल के मामले में पलट जाने वाले इंसानों में से हैं। तो क्या आप भी एक्साइटेड हैं कृति और टाइगर की मजेदार बातचीत को सुनने के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बट टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।